फ्रेंड्स, जय बालाजी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मीरा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं MTV। हम लोग राजकोट आए हैं घूमने के लिए। आज हम जा रहे हैं MTV राजकोट से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। MTV का पूरा नाम मोटल द विलेज है, क्योंकि इसमें विलेज वाला एक्सपीरियंस मिलेगा होटल वाली फैसिलिटी के साथ। आप बने रहेगा। बस थोड़े ही टाइम में अब हम MTV पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। साथ में रहेगा, बने रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, MTV पहुंच चुके हैं हम। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं MTV। बहुत ही अच्छी सजावट की है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम कोई महल में आ चुके हैं। ऐसे लगता है कि मिनी राजस्थान है, ऐसा लुक क्रिएट किया है। बहुत ही अच्छा मोटल द विलेज। ये देखिए, यहाँ पे हमारी एंट्री टिकट ले ही जा रही है फ्रेंड्स। ये भैया हमारे स्वागत में खड़े हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी सजावट की है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मिनी जंगल है और यहाँ पे कैमल राइडिंग भी होती है। राजस्थान में रहते हैं वैसे। अगर आप नेचर लवर हो मेरी तरह, तो आपको यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करोगे। यहाँ पे एक मंदिर है भोलेनाथ बाबा का, बहुत ही सुंदर सजावट की है। अच्छी सी पेंटिंग की है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, सब देखने लायक है यहाँ पे। जरूर एक बार विजिट कीजिएगा आप फ्रेंड्स, आपको अच्छा ही लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे भी आपको बहुत ही चीजें अच्छी अच्छी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे साफ सफाई भी चालू रहती है, बहुत ही क्लीन है, अच्छा है, सब देखने लायक। तो बहुत ही ये यहाँ पे अच्छा, एक बार जरूर आना है आपको। और इसकी फीस कितनी है वो मैं आपको लास्ट में बोलूंगी, बने रहिएगा आप। यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी अच्छी कर सकते हो फ्रेंड्स। देखिए देखिए, बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर लगेगा। जरूर आइएगा आप और अच्छे अच्छे फोटो खींचेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फोटोज़ के लिए तो आप जिधर भी आप फोटोज़ क्लिक करो कम ही है, हर जगह अच्छी है। यहाँ पे देखने लायक है, फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है, रील्स के लिए भी अच्छा है। अभी हम एडवेंचर पार्क मिनी प्ले एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों को और बड़ों को सभी को मज़ा आएगा। एक बार देखिएगा, आप आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे भी ऊपर आप फोटोग्राफी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। हर एक जगह सुंदर है, हर एक जगह। मैं यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो हम यूट्यूबर हैं, तो क्यों ना हम हमारे फ्रेंड्स को भी दिखाते हैं अच्छी जगह। आप भी यहाँ आके एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये पपेट शो एरिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे पपेट डांस दिखने मिलेगा।
सो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, आगे मैंने पपेट शो का वीडियो भी डाला है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स और क्या है आगे। यहाँ की एक एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। पूरा दिन भी हमें कम लगता है यहाँ पे। देखिए यहाँ से आप मिट्टी के शोपीस भी खरीद सकते हो फ्रेंड्स, और घर में सजावट के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डन में भी आप सजा सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से सब चीज़ें, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक एक एंटीक पीस है यहाँ पे, आप आके यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शाम हो गई है, लाइटिंग की सजावट देख सकते हो आप फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है कि यहाँ से हम बाहर ही ना निकले, यहीं के हो जाएं। मिनी राजस्थानी लुक है यहाँ पे। ये भी एक सेल्फी जोन है, आप देख सकते हो। पेंटिंग देखिए कितनी अच्छी है, सब बारीकी से काम किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए फूलों की रंगोली। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। ये देखिए वापस से फूलों की रंगोली की है, बहुत ही अच्छी सजावट है। ये सेल्फी मिरर है। ये कान्हा जी को सजाया है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। आज हमारे कान्हा जी के दर्शन हो गए यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्योर राजस्थानी लुक क्रिएट किया है फ्रेंड्स, देखने लायक है। आप जरूर आइएगा एक बार, अच्छा लगेगा आपको, वो मेरी गारंटी है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो कैसे स्माइल करके आपका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा है सब, फूड भी अच्छा है, पूरा स्टाफ अच्छा है, होटल भी अच्छी है, जगह भी देखने लायक है। जितना बोलूं उतना कम है। और हाँ फ्रेंड्स, ये कोई पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बोला कि आप यहाँ आओ, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये वीडियो शेयर करूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है, यहाँ पे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, छोटी पार्टी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सजावट की है। जो भी हमारे आगे किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो अच्छा सा सजावट किया है, वैसे आप भी करवा सकते हो यहाँ पे। और सुंदर व्यू आता है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है छोटी सी पार्टी करने के लिए। यहाँ पे आप बड़े इवेंट भी कर सकते हो, जैसे मैरिज पार्टी हो गई, रिसेप्शन हो गया। जिन्होंने भी हमारे आगे सेलिब्रेट किया है उनको थैंक्स, उनकी वजह से हमें इतनी अच्छी सजावट देखने मिली। एक फ़ोटो हम भी खींच लेते हैं। यहाँ पे लाइव सिंगिंग भी होती है, आपको जो गाना पसंद हो वो आपको गाना सुनाते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे, पूरा दिन भी निकल जाता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छा व्यू आता है, देखिए फ्रेंड्स ब्यूटीफुल। जितनी तारीफ़ करूँ इतनी कम है, इसलिए मैं बार बार तारीफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गार्डन है। यहाँ पे एक पेड़ है जिस पे झूला लगा रहता है, मैंने भी झूला झूला है फ्रेंड्स, देखिए अच्छा है।
पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये है सेल्फी जोन। आ गए हम डांस पब में, तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा डांस कर लेते हैं। हेलो थई जाए, हम गुजराती किधर भी गरबा स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। चलो राजस्थानी फोक डांस, बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड्स, बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्या बात है, आगे भी और भी आपको देखने मिलेगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं यहाँ पे, जब भी आप आओ छोटी सी भेंट इन्हें जरूर देके जाएगा फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। पूरा वीडियो मैंने ही शूट किया है, इसलिए थोड़ा मैं कम दिख रही हूँ। घूमते घूमते बहुत टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा हम पपेट शो देख लेते हैं। चलिए हम आ गए हैं पॉटरी हाउस, देखिए हम क्या बनाते हैं मिट्टी से। यहाँ पे एक भैया बैठते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। उन्होंने पूछा तो मैंने बोला कि मुझे दिया बनाना है, तो उसमें उन्होंने मेरी हेल्प की। शाम को हम आए थे फ्रेंड्स, अभी रात हो गई है। नाइट व्यू देख लीजिए कैसा लुक आता है। वैसे तो हम लोग बहुत ही सब थक गए हैं, लेकिन ऐसा ही लगता है कि वापस अभी यहीं रुक जाए। इतना यहाँ पे अच्छा लगता है हमें, लेकिन वापस घर तो जाना ही पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको ऐसे ही व्लॉग देखने को पसंद है, अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम और भी ऐसे व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। और लास्ट में मैं आपको, और हाँ फ्रेंड्स, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे पता है आपको बताना है कि एंट्री फीस कितनी है यहाँ की, मुझे आपको बोलना है। तो इसकी पर पर्सन फीस है 150 रुपीज़, है ना कम। 150 रुपीज़ में आप पूरा दिन आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। दूसरी ऑफर भी यहाँ की बहुत ही अच्छी है, आप यहाँ पे खाना खाते हो तो बिल पे एंट्री फीस माइनस हो जाएगी फ्रेंड्स। सब थक चुके हैं तो हम अब घर जा रहे हैं। गुड नाइट, बाय फ्रेंड्स।